हेलो फ्रेंड्स मु पूजा आपण मानक स्वागत करुच्ची आपण मानकर प्रिय यूट्यूब चैनल इट स्टडी टाइम रे। तो आज मु आपण मानक पई बॉटनी रो आउ किछि सिलेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं आसी। तो आसंतु आजिकर क्लास टी को स्टार्ट करबा। जदि एजे भी आपण माने हम चैनल को सब्सक्राइब करिना हथि तल प्लीज हम चैनल टी को सब्सक्राइब करि दंतु। तो आज हम बॉटनी रो आउ किछि एमसीक्यू क्वेश्चन देखिबा। तो यहाँ आम प्राक्टिस सीरीज 12 होपण मैंने जब आम सिलेक्टेड प्राक्टिस सीरीज गुड़े देखा चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक अच्छे आपण मैंने निहाती जाकि थे देखी नियंतु। तो क्लास टी को स्टार्ट करवा। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 लिखा जाए कारण यार प्रीवियस क्लास में मुझे आपण सहित बटनी एमसीक्यू डिस्कसन करी से 20 टी एमसीक्यू डिस्कसन करी। तो ये आम 21 नंबर अच्छी। तो आसतु क्वेश्चन टी देखा। व्हिच इज द हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम द एलियोरोन लेयर ऑफ मेज सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन। तो ऑप्शन अच्छी इथिलीन एब्सिसिक एसिड जिबेरिलिक एसिड आउला साइटोकाइनिन। तो प्रथम हमें देखा कि एलियोरोन लेयर क्या कहती। ये एलियोरोन लेयरटा कौटी थाए मेजर जो एंडोस्पर्म अच्छी एंडोस्पर्म अपर लेयरटी को एलियोरोन लेयर बोली कहुए। आ एलियोरोन लेयर रे गोटे एलियोरोन बोली गोटे प्रोटीन प्रेजेंट थाए जोटा को जिबेरिलिक एसिड ही कौन करें ना ताको एक्टिव करें जहाँफल कि से मेजर जर्मिनेशन होता है। तो यार सठिक आंसर होची जिबेरिलिक एसिड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। Which is the hormone present in the maximal amount in apical region of shoot। तो मु आपण मान सहित डिस्कसन कला बेले कही कि प्लांट रे 5टी हार्मोन अच्छी जो माने कि मेन हार्मोन जो माने कि प्लांट रो ग्रोथ और डेवलपमेंट रे हेल्प करथांती आ ए हार्मोन गुड़िक प्लांट रो विभिन्न पार्ट रे रही थांती। तो से हार्मोन गुड़िक हला ऑक्सिन जिबरेलिन साइटोकाइनिन इथिलीन आउट हला एब्सिसिक एसिड। तो एठी देछि कि एपिकल रीजन ऑफ शूट रे को हार्मोन थाए मैक्सिमल अमाउंट रे थाए बा बहुत परिमाण रे सूट को किए सिंथेसाइज करथे। तो सठिक आंसर होची जी सठिक आंसर होची डी ऑक्सिन। ए ऑक्सिन हार्मोन टी हमर सूट पार्ट को ही बेसी भाव रे बा मैक्सिमल मैक्सिमम थाए आ से सूट पार्ट को सिंथेसाइज करथाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। इन व्हिच प्रोसेस डज द स्टॉक प्लांट मल्टीप्लाई टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनिक्स। ऑप्शन हला प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन हाइब्रिडाइजेशन माइक्रोप्रोपागेशन ना कंजुगेशन। तो यार सठिक आंसर होची माइक्रोप्रोपागेशन। कहीं माइक्रोप्रोपागेशन ना माइक्रोप्रोपागेशन क्या कहते ना माइक्रोप्रोपागेशन होची गोटे प्रोसेस जेते बेले प्रोजेनिक्स प्लांट गुड़िक मल्टीप्लाई हो चलती माने बढ़ी बढ़ी चलती तापर से गुड़ी को आम बाहर आणिके प्लांट कर दियंती प्लांटिंग करती लगे दियंती। तो टिश्यू कल्चर समय रे ए माइक्रो प्रोपागेशन प्रोसेस रे ही बहुत गुड़ा प्रोजेनी डेवलप करा जाए बा मल्टीपल करा जाए प्लांट गुड़ी को स्टॉक प्लांट गुड़ी को मल्टीपल कराई कि प्रोजेनी सृष्टि करा जाए आ प्रोजेनी गुड़िक आम ताको आणिके मल्टीपल हो गला पर से गुड़ी बहुत परिमाण रे हो जाए ताको आणिके बाहर प्लांटेशन करा जाए। तर सटीक आंसर हला माइक्रोप्रोपागेशन। माइक्रोप्रोपागेशन रे ही स्टॉक प्लांट गुड़िक मल्टीप्लाई होती आ बहुत गुड़ाए प्रोजेनिक्स रे कन्वर्ट होता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। व्हिच वाज द फास्ट इपेडिक फंजीसाइड्स डिस्कवर्ड। किए प्रथमे फंजीसाइड्स डिस्कवर्ड करथिले। तो ऑप्शन देछि बर्गुंडी मिक्सचर ना बोर्डियोक्स मिक्सचर जिनेफ ना मेनेफ। तो यार सठिक आंसर होची बोर्डियोक्स मिक्सचर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होची When single gene controls more than one trait it is called। जैसे गोटे जीन बहुत गुड़ाए ट्रेट को कंट्रोल करे सेटा को कौन कहते। ऑप्शन है पेलिट्रोफिजम मल्टीपल आलेजिम पॉलीजेनिक बना कोडोमियंस। तो यार सठिक आंसर होची पेलिट्रोफिजम। तो कहीं पेलिट्रोफिजम कौन पेलिट्रोफिजम केमिति सेटा को ये करी थाए कहले पेलिट्रोमिस होची गोटे ये जो आम ट्रेट क्या कहते ना ट्रेट हूँ गोटे पर्सनाल कैरेक्टर बा ट्रेट हूँ गोटे स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म मान गोटे ऑर्गेनिज्म रे गोटे स्पेसिफिक कैरेक्टर जोटा कि गोटे जीन बहुत गुड़ाए ट्रेट को कंट्रोल करता है सेटा हूँ पेलिट्रोफिजम जीन। ये जो पेलिट्रोफिजम जीन से गोटे जीन किंतु सी बहुत गुड़ाए स्पेसिफिक कैरेक्टर माने पर्सनाल कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। तो सटीक आंसर है पेलिट्रोफिजम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। The number of genotype produced in F2 generation of Mendel's monohybrid cross। तो मेंडेल कर जो आम जानते मेंडेल मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो करते से F2 जेनेसन ले केतोटी जीनोटाइप प्रोड्यूस होता है। तो जीनोटाइप्स क्या कहती जो जीनटा इनहेरिटेड बा डीएनए रो गुणटा को एक्सप्रेस करूथिबो माने इनहेरिटेड माने वंशगत गुण को देखाउथिबो सेटा को हम जीनोटाइप कहती। आ फिनोटाइप क्या कहती ना जोटा हमर ए जो ऊपर बा फिजिकल जो सॉरी फिनोटाइप मतलब जो आम जो फिजिकल एफिलियंस को जे शो करथिबो सेटा को हमर फिनोटाइप रेशियो बा फिनोटाइप्स बोले कहंती। तो जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस रे जो F2 जनरेशन थिला तार जीनोटाइप केतरा प्रोड्यूस हेथाय तो यार केतरा नंबर ना ऑप्शन होची 3। हमर F2 जनरेशन ले जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल करथिले सेतरे हमर तीनोटी जीनोटाइप प्रोड्यूस हेथाय मान तीनोटी जो जीन रो गुण बा इनहेरिटेड क्वालिटी प्रोड्यूस हेथिला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जेबा व्हिच इज द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। आम इंडिया रे प्रथम नेशनल पार्क कोटा ऑप्शन ए सिमेर पार्क बी भितरकनिका सी मानस डी कॉर्बेट। तो आमर सठिक आंसर टी होची कॉर्बेट। आमर सठिक आंसर टी हला कॉर्बेट जोटा कि कोठी अछि ना उत्तराखंड रे अछि आ तार कोठी रिजर्व टा कोन नाडा टाइगर रिजर्व हेटी टाइगर मान को रिजर्व करिक रखा जाय छै। तो सठिक आंसर होची कॉर्बेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जेबा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होची ए पीस ऑफ वुड विथ नो ट्रैकिया मस्ट बिलोंग टू माने एमती गोटे ए जो ऑप्शन गुड़ भितर कहार वुड रे ट्रैकिया न थाए। तो फर्स्ट आम जाना ट्रैकिया क्या कहते तुम्हें मैंने जानथिबो प्लांट्स रे भेसेल माने थाते जहाँद्वारा कि वाटर कंडक्ट होता है। तो भेसेल जहाँ ट्रैकिया सैया भेसेल को ट्रैकिया कहुए जोटा कि जाइलम भितर ही था। जाइलम आमर प्लांट रे कौन करता है ना वाटर कंडक्ट रे हेल्प करिता है। तो प्लांट जाइलेम जमी हेल्प करे जाइलेम हूँ दुईटा पार्ट भेसेल आउ ट्रैकिया जो मैंने कि वाटर कंडक्टर हेल्प करें डिफरेंस कौन ट्रैकिया कौन भेसेल कौन भर केवल गोटे काम किंतु सेम किंतु एम भर डिफरेंस होमर डायमीटर आउ एफिशिएंसी ऑफ वाटर कंडक्ट से केते वाटर कंडक्ट करपारती डायमीटर हूँ डिफरेंस ना काम एमर सेम थाए। तो किसी प्लांट्स मानकर ट्रैकिया थाए आ किसी प्लांट्स मानकर भेसेल्स थाए। तो जाइलेम ना जो सॉरी ट्रैकिया क्या पाखे थाए जो फॉर्म जिम्नोस्पर्म प्लांट्स मान पाखे ट्रैकिया द्वारा तंकर वाटर ट्रांसपोर्ट होता है आ एंजियोस्पर्म प्लांट मानकर भेसेल द्वारा ही वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। तो यार देखिए ट्रैकिया नथिबो मीन्स यार हला पाइन। पाइन इज एंजियोस्पर्म प्लांट से यार सठिक आंसर होची पाइन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। Which are the part of ground tissue system। तो ground tissue system क्या मानते जो ground tissue system रे को पार्ट थाए ground tissue रो ground रे माने तल भाग रे तार जो tissue system रे को पार्ट थाए। तो यार आंसर होची हाइपोडर्मिस हाइपोडर्मिस जेनेराल कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस। तर आ गोटे मध्य थाए पेरीसाइकल पीथ एंड मेडुलरी रेस। तार यार ऑप्शन होची बी विथ डी बी रे जति सारा जिनस अच्छे से गुड़िक ग्राउंड टिश्यू रे जिबे से पार्ट गुड़िक आउ डी रे भी जो गुड़िक अच्छे से गुड़िक ग्राउंड टिश्यू सिस्टम रो गोटे गोटे पार्ट। ताले आपण माने एटी ऑप्शन दुईटा जाक बी मारले भी ठीक हबो आ डी मारले भी ठीक हबो बा बोथ मारले भी ठीक हबो। तो आम जानले कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम रो पार्ट गुडी गला हाइपोडर्मिस जेनरल कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस पेरीसाइकल पीथ आउ हला मेडुलरी रेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेट इज जो गैसियस प्लांट मैंने अच्छा तांकर ग्रोथ को कौ हार्मोन रेगुलेट करते हैं। तो ऑप्शन देछि इथिलीन एबीए आईएए काइनेटिन। तो हमर सठिक आंसर टी होछि इथिलीन। सठिक आंसर टी हला इथिलीन कहीं इथिलीन टा होछि गोटे हार्मोन जोटा कि गैसियस प्लांट रो ग्रोथ को रेगुलेट करता है आउ एटा को मध्य कौन कहते राइपेनिंग हार्मोन बोली कहते कहीं ये राइपेनिंग करिबारे बा फल पचेबारे प्लांट्स मान को हेल्प करता है एटा को राइपेनिंग हार्मोन कहते। तो केमिकल फॉर्म रे को लिखा जाए CH2 CH2। तो एटा को इथिलीन बोली कहा जाए। तो जोटा को एटा को राइपेनिंग हार्मोन मध्य कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। एज पर मेंडलिज्म येलो रिंकल्ड सीडेड P plants cross to green rounded seed one yields F1 plants with seed character। जदि हमको दीटा क्यारेक्टर देखिए गोटे मेंडलिज्म कर गोटे देखिए गोटे पी प्लांट्स देखिए कि येलो रिंकल्ड सीड आ गोटे देखिए ग्रीन राउंड सीड। जदि आम एरा को क्रॉस करवा ताले हम जो F1 जनरेशन जो प्लांट्स गुड़िक आसवे तार जो सीड गुड़िक आसवे तार क्यारेक्टरटा कौन होइथिबा दरकार। तो मु प्रथमे आपन को देखाउची कि मेंडलिज्म को आम प्रथम देछि येलो आउ देछि रिंकल्ड आ गोटे आम देछि कि ग्रीन आ गोटे देछि राउंड। तो यार जो फास्ट जेनेरेशन बा F1 जेनेरेशन हबो तो एठु आसीबो बड़ो आर सान आर बड़ भाई सान भाई। तो मु या भर आपण देखुची कि यार क्यारेक्टर गुड़िक कौन कौन ये जो बड़ आर आ सान आर अच्छा तो सोया भितर गोटे होचंती डोमिनांट आ गोटे है रिसेसिव सबबेले डोमिनांटा ही बेसी एक्सप्रेसिव होता है रिसेसिवटा सबबेले दबी जाए तो ये जेहेतु बड़ आर अच्छी तो यहाँ हूँ आम राउंड को ही डिस्क्राइब कर माने से सीटा राउंड हम ये राउंड हम ये छोट आर मीनिंग है रिंकिल्ड जेहेतु ये बड़ आर अच्छी बड़ आर जोटा कैपिटल लेटर थाए से डोमिनांट होता है से जो आलिसटा डोमिनांट होता है और डोमिनांटा सब एक्सप्रेसिव होता है सी रिसेसिव को दाबी दे थाए तो सी केबे भी रिंकिल्ड हेनी सी सब राउंड हम तो ये भी लक्ष्य करूँ बड़ वाई अच्छी सान वाई अच्छी माने गोटे ग्रीन कलर अच्छे गोटे येलो कलर अच्छी ये बड़ वाईटा जेहेतु अच्छी डोमिनांट अच्छे तेल सी रिसेसिव को दाबी दबा और निजे एक्सप्रेसिव हम से हूँ वाईटा येलो कलर हम तेना आम जो सीटा पाइबा से येलो हम आउ राउंड हम तो जत बड़े आपण मैंने भावती कि डोमिनांट रिसेसिव थिले तो जोटा डोमिनांट सेटा ही तार फिनोटाइप को जीनोटाइप को डिस्क्राइब माने आसवा आग को तो जिते दीटा जाक रिसेसिव थे तो जिते दीटा जाक डोमिनांट थे से डोमिनांट तो ऑब्वियसली डोमिनांट ही एक्सप्रेसिव हो कारण दीटा जाक डोमिनांट अच्छा जो डोमिनांट रिसेसिव दी जन जाक अलग माने दीटा अलग अलग जीन गोटे जगह थे से डोमिनांटा ही एक्सप्रेसिव हो रिसेसिवटा दबिज आ जिते दीटा जाक रिसेसिव थे माने स्मॉल आर थे से रिसेसिव ही आसो माने रिंकिल्ड हम एटा सियोर किंतु जेहेतु आमर ये बड़ आर सान आर था तो डोमिनांट पे राउंड है जेतु बड़ वाई आ छोट वाई था तो बड़ वाई पे ये ग्रीन है तार आम पाइबा F1 जेनेरेशन येलो आउ राउंड कलर रा सीड आम पाइबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जावा इनकम्प्लीट डोमिनांस 1:2:1 रेशियो इज मार्क्ड ऑन तो आम ये जो इनकम्प्लीट डोमिनांस जो अच्छी तार रेशियोटा जो 1:2:1 हुए सीटा कौ क्रॉस द्वारा होता है टेस्ट क्रॉस द्वारा हुए F1 जेनेरेशन होता है F2 जेनेरेशन होता है ना रेसिप्रोकल जेनेरेशन होता है तो यार सठिक आंसर हूँ F2 जेनेरेशन ही से जो इनकम्प्लीट डोमिनांसटा होता है से तार रेशियोटा जो सीट गुड़िक आसी था रेशियोटा तार 1:2:1 होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जावा The agent that cause disease in host by its persistent associated is called कहे जो एजेंट गुड़िक आमर डिजीज कर होस्ट बॉडी से कौन जी माइक्रोराइजा पाथोजेन सिम्बायोटिक बा साप्रोफाइट तो यहाँ हूँ फंजी हूँ गोटे पाथोजेन कहीं सी सब बेले होस्ट बॉडी रे बढ़ू थाए होस्ट बॉडी रे ही निजर रिप्रोडक्शन करि थाए लाइफ साइकिल करि थाए तो आम जतरे जो होस्ट बॉडी रे जो माने एजेंट माने हमको डिजीज करती से गुड़ी को आम पाथोजेन बोली कहबा यार सटीक आंसर हूँ पाथोजेन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉल्ड जो पोटैटो रे लेट ब्लाइट रोग होता है सेटा कहा कारण होता है क्या द्वारा होता है गोटे अल्टरनेरिया पाइथियम फाइटोप्थोरा ना इरेप्सिफी तो यार सठिक आंसर हूँ फाइटोप्थोरा तो यार सठिक आंसर है फाइटोप्थोरा द्वारा लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा हील रिएक्शन टेक्स प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट इन द जो हील रिएक्शन होता है क्लोरोप्लास्ट रे सेटा कोठी होता है प्रथम जो ये जो हील रिएक्शनटा कोठी होता है ना ये हूँ क्लोरोप्लास्ट जो थाइलाकोइड्स अच्छी ये थाइलाकोइड्स रे ही आमर हील रिएक्शन होता है हील रिएक्शन जो क्लोरोप्लास्ट होता है तो सेटा कहार प्रेजेंस रे होता है प्रेजेंस रे होता है कि एब्सेंस रे होता है तो एब्सेंस ऑफ CO2 प्रेजेंस ऑफ CO2 एब्सेंस ऑफ सुइटेबल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ना प्रेजेंस ऑफ सुइटेबल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तो यार सठिक आंसर हूँ प्रेजेंस ऑफ सुइटेबल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो हमर हील रिएक्शन होता है जो थाइलाकोइड्स रे लाइट प्रेजेंस रे ही क्लोरोप्लास्ट रिएक्शन होता है क्लोरोफिल पिगमेंट रे तो लाइट प्रेजेंस रे जतबेले हील रिएक्शन होता है सेतबेले से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर थिला बेले ही प्रेजेंस ऑफ सुइटेबल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जतबेले तार इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रेजेंट थिबो सेतबेले ही एई रिएक्शनटा क्लोरोप्लास्ट रे हेइथिबो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा स्टोमाटा ऑफ काम प्लांट जो काम प्लांट्स थाए तांकर स्टोमाटाटा किपरी आर ऑलवेज ओपन ना ओपन ड्यूरिंग द डे एंड क्लोज एट नाइट ना ओपन ड्यूरिंग द नाइट एंड क्लोज एट डे ना नेवर ओपन तार सठिक आंसर होची ओपन ड्यूरिंग द डे एंड क्लोज एट नाइट तो नेक्स्ट क्वेश्चन टी होची स्टोमाटा ऑफ काम प्लांट्स स्टोमाटा जो काम प्लांट्स मानकर स्टोमाटा से गुड़िक किपरी था स्ट्रक्चर किपर थाए कि कौन थाए ऑप्शन गुड़िक दीजिए आर ऑलवेज ओपन ओपन ड्यूरिंग द डे एंड क्लोज एट नाइट ओपन ड्यूरिंग द नाइट एंड क्लोज एट डे नेभर ओपन। तो स्टोमाटा कौन स्टोमाटा होची प्लांट रो गोटे टिनी पोर माने गोटे छोट कणा जहाँद्वारा कि से गैसेस एक्सचेंज करते एटमोस्फियर सहित। तो जो काम प्लांट्स जो स्टोमाटा गुड़िक कौन आर ऑलवेज ओपन सब बेले खोला था ना दिन बेले खोला था कि राति बंद था ना राति खोला था कि दिन में बंद था ना टोटाल खोलती ही नहीं। तो यार सठिक एनसरटी होची ओपन ड्यूरिंग नाइट एंड क्लोज एट डे। तो क्लैम प्लांट्स रे जो प्लांट गुड़िक था जो स्टोमाटा थाए जो टिनिपोड्स गुड़िक थाए से माने राति रे खोला रुहती कहीं से कार्बन डाइऑक्साइड को राति एक्सेप्ट करती आ दिन में स्टोमाटा बंद रखती कारण से जो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्सेसन करती राति से एक्सेप्ट करती कार्बन डाइऑक्साइड को दिन में से कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्सेसन करती से स्टोमाटा दिन में खोला माने सॉरी राति खोला थाए आ दिन में बंद थाए। तो ऑप्शन सी है ओपन ड्यूरिंग द नाइट एंड क्लोज एट डे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जावा टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 इन फोटोसिंथेसिस इन द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड। तो आम जानते यहाँ हूँ ग्लूकोज रोटे केमिकल फॉर्मूला C6H12O6। तो जो फोटोसिंथेसिस हुए फोटोसिंथेसिस दिन में होता है सनलाइट प्रेजेंस रे। तो जितेबाला सनलाइट प्रेजेंस रे जो ग्लूकोज फॉर्मेशन होता है तो से केतटा वाटर मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड करता है। तो यार ऑप्शन हो 6, 8, 10 और 12। तो सठिक आंसर टी हूँ 12 जितेबाला फोटोसिंथेसिस होता है से 12 ग्लूकोज से 12टा वाटर मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड करी थाए। तो आजिकार क्वेश्चन आंसर बा एमसीक्यू क्लास टी मुझे शेष करदे। आदि आपण मानक आजिकार एमसीक्यू क्वेश्चन किसी भल लगी थाए कि आपण को किसी किसी आपड़ शिखा को पाई निहाती आम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे आ पाखरे थिबा बेल बटन को क्लिक करेंगे फल नेक्स्ट मोर आसुथिबा बटनी एमसीक्यू क्वेश्चन गुड़ी आपण मैंने सहजरे बा इजिली पाई परिबे। थैंक यू।